नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जिन प्रश्नों की हम यहाँ बात करेंगे, चलिए उनको देखते हैं। इसमें जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएँ पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ठीक है, हमें बताना है कि न्यूटन से पहले किसने बता दिया था कि जो सभी वस्तुएं हैं यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी बराह मेहर, ऑप्शन सी बुद्धगुप्त और ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त। यानी ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि जो सभी वस्तुएं हैं वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। जो ब्रह्मगुप्त थे यह गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ठीक है, कौन से काल के थे? गुप्त उत्तर काल के थे। इन्होंने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत की रचना की थी तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमें बताना है कि यह सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए है चार्ल्स न्यूटन, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन और ऑप्शन डी है जॉन एडम्स। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन। यानी गुरुत्वाकर्षण को जो सिद्धांत है वह दिया है आइजैक न्यूटन ने। आगे बढ़ेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण है यह पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। ठीक है, कोई भी पदार्थ एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं उसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। और सर आइजैक न्यूटन ने गति के तीन नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने गति के तीन नियमों का और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने अपनी भौतिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। इन्होंने बताया कि कोई भी कण हो विश्व का दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो कणों के बीच कार्य करने वाला पारस्परिक आकर्षण है इसी को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, और उसके बीच में जो बल उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? ठीक है, हम बताना है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वह निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते। ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता है, ऑप्शन बी वायुमंडल में श्यान बल बहुत अधिक होता है, ऑप्शन सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है और ऑप्शन डी वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व नहीं होता है। यानी अंतरिक्ष यात्री जो निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशी क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो जो अस्थि घनत्व है ये कम होगा तो जो अस्थियां हैं ये क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। कोई भी वस्तु है इसको ऊपर से अगर हम गिराएं तो इसका भार क्या होगा? ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अपरिवर्तित, ऑप्शन सी परिवर्तनशील और ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह अपरिवर्तित। यानी यदि कोई वस्तु हम ऊपर से गिराएं तो उसका जो भार है वह अपरिवर्तित रहेगा, यानी कोई चेंज इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब इसके लिए कैसी परिस्थिति होनी चाहिए? पहले तो आदर्श परिस्थिति होनी चाहिए, यानी वायु का जो प्रतिरोध है वह कैसा होना चाहिए? नगण्य है। ठीक है, तो आदर्श परिस्थितियों में किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है।
आगे बढ़ेंगे कि किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है। ठीक है, अधिकतम है, अधिकतम कहाँ होता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ऑप्शन बी है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन सी है वृषुवत रेखा पर अधिक होता है, और ऑप्शन डी है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो जो किसी पिंड का जो भार है वह सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर यह भार सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ेंगे कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है यह भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वाकर्षण है सबसे कम रहेगा और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल है इसके बराबर होता है किसी पिंड का भार, इसलिए भूमध्य रेखा पर भार न्यूनतम रहेगा और ध्रुवों पर भार सर्वाधिक रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है क्यों? जी के जो भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह होते हैं, इन्हें हम पृथ्वी से आसानी से ट्रैक क्यों कर लेते हैं? ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव द्वारा, ऑप्शन बी राडार द्वारा, ऑप्शन सी सोनार द्वारा, और ऑप्शन डी पल्सर द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वह डॉपलर प्रभाव के द्वारा, यानी कृत्रिम उपग्रह को डॉपलर प्रभाव के माध्यम से पृथ्वी से आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि जो कृत्रिम उपग्रह हैं पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किए जा सकते हैं। यह ट्रैकिंग जो होती है वह ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। आगे बढ़ेंगे कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। ठीक है, चंद्रमा पर जब वायुमंडल नहीं है तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए यह पृथ्वी के निकट है, ऑप्शन बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ऑप्शन सी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और ऑप्शन डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी जो गैसों के अणुओं का पलायन वेग है उसके जो वर्ग माध्य मूल है उससे कम होता है। आगे बढ़ेंगे कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, अपना जो वायुमंडल है उसमें अनेक गैसों का मिश्रण है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि धरती पर जो पलायन वेग होता है वह होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैसों के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। आगे बढ़ेंगे कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आगे बढ़ेंगे कि ये पलायन वेग क्या है? तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा लौटकर पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, उसे हम कहते हैं पलायन वेग। और पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। आगे बढ़ेंगे कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है। ठीक है, लोलक आपने देखा होगा, तो इस लोलक की कालावधि हमें बताना है, टाइमिंग पीरियड किस पर निर्भर करता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए द्रव्यमान के ऊपर, ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर, ऑप्शन सी समय के ऊपर, और ऑप्शन डी तापक्रम के ऊपर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो इसकी लेंथ होगी एल, इस पर लोलक की जो है कालावधि है वो निर्भर करेगी। आगे बढ़ेंगे कि जो लोलक की कालावधि है उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि टाइम बराबर 2πL/g, यानी एल क्या है, इसमें लोलक की लंबाई, यानी लंबाई जितनी ज्यादा रहेगी उसका जो टाइमिंग है वह उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से बताया गया है कि टी बराबर जो बताया गया है कि 2π और फिर एल और अपॉन में क्या है जी त्वरण, तो त्वरण तो रहेगा अपरिवर्तित, यानी इसका मान जो है वह एल पर डिपेंड करेगा, यानी लंबाई जितनी ज्यादा होगी टाइमिंग उसकी उतनी ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा।
ठीक है, हमें बताना है कि कोई लिफ्ट है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसका अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। ऑप्शन ए है, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। ऑप्शन बी है, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही हो। ऑप्शन सी है, समान वेग में ऊपर जा रही हो। और ऑप्शन डी है कि समान वेग से नीचे आ रही हो। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब कोई लिफ्ट एक त्वरित गति में ऊपर जा रही हो उसमें बैठे व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।